जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल है सब दोस्तों का जनाब। आज सुबह जी इसने चांदी ने खुल के कर दिया हमारा नुकसान, इस वजह से इसे ये जेल में बंद कर दिया गया जी। ये जो नई फीमेल आई थी लाहौर से जनाब, ये चांदी है, इसने खुल के कर दिया नुकसान। और अब यहाँ पे भी पिटबुल के साथ ये लगी है जी, अपना इसने रौला डाला हुआ है, इसके साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं इसकी, इसके साथ भी। देखें वीडियो के एंड तक, फिर मैं बताता हूँ आपको वीडियो के एंड में कि इनमें इन्होंने आज क्या किया, क्या होने वाला था, क्या वाकया गुजरा है, वो सारा आज मैं बताता हूँ। और इसका क्या हल करना है वो भी वीडियो में आपको मैं एंड पे दिखाता हूँ। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें। इससे क्यों मैंने आज इधर बंद किया ये सारी वजह आपको पता चल जाएगी जी दोस्तों। तो दिन चढ़ गया जनाब, तो रोशनी हो गई है माशाल्लाह से, सूरज चमक गया। तो आज जो वाकया हुआ वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ किस तरह। मतलब आज सुबह सुबह मुझे आना पड़ा तकरीबन 5 बजे से पहले, या 5 बजे की करीब का कोई टाइम होगा मेरे आने के बाद, यहाँ पे काम शाम करने के बाद जाके दिन चढ़ा था। तो रॉकी को मैंने बाहर ही बांधा हुआ था, मैंने कहा चले दोस्तों को थोड़ी सी वीडियो भी हो जाए और साथ ही रॉकी को अपना जो है बाहर चक्कर भी लगवा लेता हूँ, क्योंकि बाकी सारे रह को मैं चक्कर लगवा लिया था, अंधेरा था तब, रॉकी और स्टेला ही रह गए थे। बराबर रास्ते में बांधा था इसलिए फिर मैंने रिस्क ही नहीं लिया रॉकी को खोलने का। जिस तरह के कुछ दोस्तों को पता होगा पिछले दिनों जब वो हुआ क्या कहते थे, रॉकी को मैं लेके बाहर आने लगा था, पीछे से बराबर खुल गया था और लड़ पड़े थे, जिसमें मेरी टांग जख्मी हो गई थी। वो वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड की थी, अल्लाह का शुक्र अब तो ठीक है। तो ये बात मैं आपसे कहने लगा था कि वीडियो में आगे आपको बताता हूँ कि किस तरह जो मेरे पास नई फीमेल आई है वो खुली है, खुल के उसने जो है वो सारा निज़ाम ख़राब कर दिया है। तो वो वीडियो में आगे चेक कराता हूँ क्या सूरत हाल थी, बचत हुई है कि नहीं। उससे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो दूसरा है अपना, बड़ी खुशी हुई है कल की वीडियो अच्छी गई है, रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, वीडियो पे व्यूज़ भी अच्छे आए हैं, दोस्तों के कमेंट्स बड़े प्यारे आए हैं। एक हमारे आसिफ भाई, उन्होंने कमेंट्स किया था कि वो डाल के ना, क्या कमेंट्स किया था उन्होंने, मुझे सही उनकी समझ नहीं लगी। मैंने उनसे ये पूछा था कि आपके कहने का मतलब है पिलर बना के ऊपर बीम भर दिया जाए जिस तरह वो सरिया डाल के लेंटर डालते हैं, और बाकी छत डाल दी जाए, बरांदा बना दिया जाए जिस तरह, उस तरह के। या फिर एक हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे, हमारे भाई हैं, वीडियो देखते हैं सिंह से हमारी, उन्होंने कमेंट्स किया था कि अरसलान भाई आप 10 फिट के केज बनाएँ, 5 फिट चौड़े हों और 5 फिट खुला और 5 फिट पीछे कमरा हो। तो मेरा इरादा तो पहले इसी तरह तरीके से था, बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनके खुडे ना बनाऊँ, इनके लिए खुला सिस्टम बनाऊँ जिसमें ऊपर पंखे शंखे भी आसानी से लग जाएँ। तो थोड़ा सा मैं अपना आइडिया भी आपके साथ शेयर करता हूँ वीडियो में कि मेरा दिल है कि मैं इस तरह करूँ कि एक बरांदा बना के ना, जिस तरह वो रॉयल ब्लड वाला का सिस्टम था, एक बरांदा बना के उसके अंदर पार्टीशन करूँ, वो मैं आपको समझाऊँगा जगह पर जाके, ताकि मतलब सारे केज पर उसके छत रहे और ऊपर पंखे लग जाएं, पीछे खुली जो है वो खुली भी कायम रहेगी, उसके अंदर ये बैठ जाया करेंगे गर्मी में, सर्दी में जिस तरह भी इनका दिल हुआ, सर्दियों में कोई कपड़े शपड़े रख जाया करेंगे, ये ठंड से महफूज रहा करेंगे। आगे सारे जाली का काम करवा देंगे लोहे का, पीछे सारा वो सेंटर में ईंटों की आधी आधी पार्टीशन करके ऊपर उसके जाली लग जाएगी। ईंट इसलिए लगवा रही है सेंटर में ताकि ये एक दूसरे को देख ना सकें, और ऊपर जो छत वाले पंखे हैं वो सोलर वाले भी मिल जाते हैं। सबसे बेहतर तो यही होगा कि सोलर वाले पंखे लग जाएँ, तो ये कि चलाने का भी मसला नहीं है उनका, बिजली की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, वो आस्ता आस्ता अगली गर्मियों तक इंशाल्लाह उनका भी इंतज़ाम हो जाएगा, पहले सिस्टम तो बना लें। तो मेरा भी आइडिया ये था, वीडियो के एंड तक देखें, बाकी मैं आपको बताता हूँ सूरत हाल आगे वीडियो में आपको चेक करवाता हूँ। सबसे पहले तो ये कुत्ती दिखाता हूँ आपको जो कल लेके आए, जिसका नाम मैंने चांदी रखा है, तो चांदी दिखाते हैं, चांदी ने जो कारनामा किया वो देखें। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, इस तरह मैं कहता हूँ कि इतने ज़्यादा ट्रैफिक आती है हमारे चैनल पर, मगर लोग सब्सक्राइब करने के बगैर, बेल आइकन प्रेस करने के बगैर ही चले जाते हैं। तो यार कर दिया करो, कुछ नहीं होता आपका, हमारा इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। तो जनाब अली आज बड़ा मसला बन गया, आज सुबह ये कुत्ती जो नहीं लेके आए, मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है वीडियो में, यहाँ पर कलर सही आ रहा है, रोशनी सही आ रही है। कल के लिए यार माजरत पहले सबसे, तो मैंने वीडियो एडिट की, मैंने चेक नहीं की, मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दी थी, मैंने कहीं जाना था जल्दी से, तो मैंने फ़ोन लगाया चार्जिंग पे, तो ऐसे ही मैंने अपलोडिंग पे वीडियो लगा, मैंने चेक नहीं किया, थोड़ा सा क्लिच किच किच करता है। बहरहाल इसका मज़ा वो आगे वो दिन याद आ गया जब हम VCR चला के वो फिल्में देखते थे, तो वो फिल्में
मुझे खुद होकर देखने पर वो याद आ गया। मैंने नीचे जाकर कमेंट भी पिन कर दिया था उसके कि यार ये मसला बन गया। आज सुबह ये कुत्ती खुली है, अभी देख रहे हैं मैंने इसकी ये चैन उतार ली है, ठीक है, इसकी वजह से ये खुली है। तो लेदर का या कोई और बेल्ट इसके गले में अच्छा सा ना खुलती और जो हमारा ये होने वाला नुकसान था ये ना होता, हम इससे बच सकते थे। तो वीडियो कैसे तक करके सबसे पहले चेक करवाता हूँ जो मैंने इसे फटो डाला है, जब सेफ्टी की है लिहाज की है वो मैंने आपको कल भी बताया था, मैं चैन की गलती हो गई उससे। अगर ये चैन ना होती इसके गले में पहले फटो डाल देता तो सहला बुरी बात, अगर इसके गले में ये पटा ना होता तो हो सकता था हम ये नुकसान से बच जाते। तो वीडियो के एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि सब दोस्तों ने बहुत इस फीमेल को नई को पसंद किया और जो सजेशन दिए दोस्तों ने, कि एक दो दोस्त हैं जिन्होंने केज के लिए सजेशन दिए हैं। बहरहाल यार मैंने आपसे मशवरा मांगा था, हो सकता है आप किसी का मशवरा दिल को अच्छा लग गया तो बंदा इंशाल्लाह उस पर अमल कर लेगा। तो वीडियो के अंत तक देखें, सबसे पहले तो आपको चेक करवाता हूँ कि क्या सीन बना था, कैसे ये वाकया हुआ है, वो सारी डिटेल वीडियो के एंड तक आपने देखना है, तभी जाके आपको पता चलनी है जनाब। ये फीमेल जो है जी जो कल लेके आए थे ये खुली है सुबह, तो सुबह इसने जो काम डाला है, आज अंधेरा था, ये चैन इसने गले से निकलवा ली थी। हालांकि जो पिछली मैंने आपको बताई थी उसका जो नट बोल्ट लगा हुआ था वो तो बहुत मजबूत था, बहरहाल ये कि फिर भी पता नहीं चला, जो भी हो गया सारा निज़ाम बनना था वो बन गया। अभी मैंने पिक्सी का पटा इमरजेंसी निकाल के इसके गले में डाला, क्योंकि पिक्सी को दिन के टाइम केज के अंदर होती है, इस वजह से जी मैंने पिक्सी वाला जो कॉलर है इसे डाला है ताकि दोबारा ये मिस्टेक ना हो। ये बड़ी शैतानियाँ भी बहुत करती है और ये अल्लाह का शुक्र है कि अब्बू ने बच बचा करवा लिया था, तो अब्बू के पास ही बैठ रही है, डंडा लेके वो बैठे थे। सारी सिस्टम जो बताता हूँ, मतलब जो भी नुकसान इसने किया है वो भी तो नुकसान, तो सारी बातें नुकसान ही है, चाहे वो जानवर का या किसी भी चीज़ का, वो वीडियो के एंड में दिखाता हूँ। बहरहाल ये गलती हो गई थी कि मैंने इस चैन के भरोसे से छोड़ दिया था, आइंदा आप भी कभी ऐसी ब्रीड रखें तो ऐसी गलती ना करें, हो सकता है किसी जानवर पर अटैक कर देती तो ये सारे मामलात भी ख़राब हो सकते थे। तो अभी फिर ला के रॉकी के पास मैंने इसे बांध दिया जी, और ये सुबह खुली भी रॉकी के पास ही जा रही थी, इंशाल्लाह जी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये कुत्ती हीट पे आ जाएगी। एक दोस्त ने कमेंट्स भी किया था, क्योंकि जो इसकी अलामत हैं सिम्टम मैंने इसकी हरकतें हैं वो भी बताती हैं कि ये बहुत जल्द हीट पर आने वाली है। तो देखिए क्या बनता है, और कल वाली वीडियो के लिए यार माजरत, वो एडिट नहीं सही हो सकी, इस वजह से मुझे पता नहीं चला, तभी जाके ये प्रॉब्लम आपको मिलने को देखने को मिली। बहरहाल वो चंद सेकंड की थी, बहरहाल पूरी वीडियो तो जाके देखें तो मैंने चेक की थी वो सारी बेहतर ही थी। तो ये पटा फिर मैंने इसे डाला अब लैदर का, पिक्सी का उतार के देखें, और नट वाली पिन डाली है इसे, अब ये दबाएंगे तो इस तरह खुल नहीं सकेगी। अब जिस तरह मर्जी ये जोर मार ले, जैसे मर्जी कर ले, अगर पटा तोड़ सकती हुई तो पटा टूटेगा, अगर ना तोड़ सकती हुई तो नहीं। आज ईद मिलादुन नबी है, सबसे पहले तो वो भी सब दोस्तों को मुबारक हो जनाब, जिसने ईद मिलादुन नबी मुबारक सब दोस्तों को मेरी तरफ से, तो इस वजह से आज छुट्टी है, वरना मैंने आज इसका को हल कर लेना था, कोई इंशाल्लाह ताला कल फिल फॉर जैसे दुकानें खुलेंगी तो इसका हल करते हैं, इसके लिए को नया पटा शटा लेके आते हैं, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को देखें एंड तक ताकि आपको पता चल सके इसने क्या वारदात की है। अभी जनाब पहुँचा हूँ 5 बजे, अभी पूरे फ़ोन आया था बुका के, वो जो नई कुत्ती लेके आई वो खुल गई है, अभी कपड़े चेंज किए हैं, तो बड़ी इमरजेंसी में बड़ी जल्दी पहुंचा हूँ, और ये अल्लाह का शुक्र है कि अबू ने बचा लिया स्टेला के साथ, तो वो नहीं लड़ी। बहरहाल ये कि वो जो छोटी रूसी कुत्ती रखी थी ना उसे से वो बता रहे थे, एक पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं छोटी है वो बोल पड़ी होगी आगे से, इस तरह कुत्ते नहीं लड़ते। तो चलते हैं जी एक दफ़ा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं क्या हाल हवाल बने। वो कल मेरे जहन में था कि यार इसका पटा लेके आऊँ, मैं शहर की तरफ गया हूँ भी, मेरे वापसी में याद ही नहीं रहा, वही वजह बनी इसकी। देखें वो चैने शैने नहीं काम करती, कोई अच्छा पटा हो वही चीज़ ठीक रहती है, अच्छा पटा अगर डाला हो तो वो कामयाब रहता है, तो वही सीन बना है इसका। अभी देखता हूँ जाके आपको भी दिखाता हूँ क्या बना है, पहले तो मैंने कपड़े चेंज किए हैं, दूसरा मैंने कहा चलें फिर अभी जल्दी जल्दी पहुँच गए जल्दी से काम निपटा लें। तो वीडियो एंड तक देखें, फिर दिखाता हूँ आपको पता चलेगा क्या सूरत हाल है, क्या बना है। फिर आज सुबह अभी 5 बजे अभी तो सारी गेम शेम हो गई, अल्लाह का शुक्र है कि लड़ाई से बचत हो गई है, बाकी क्या सीन बना था कैसे मौका बना वो सारा मैं आपको आगे दिखाता हूँ, वीडियो के एंड तक देखें। फिर ये जी इसे कहते हैं फोड़ा, ये लगा के जंगला बंद करके ये अब्बू ने जंगले के अंदर दे दी थी। ये छोटी जो है अभी दिन की रोशनी आना शुरू हो जाएगी, वीडियो सही नज़र आएगी आपको।
आप फड़े वाले ऐड मार के रखे हैं तो मैं जरा बैठ जा आगे से तो ये ठीक ही लग रही है, लग रही पीछे से भी ठीक ही हो, लेकिन सिर्फ मधोलिया जाए मारो लैट दा नहीं मैं लैट मारो वाला जो पता तो नहीं लगता नहीं पता की गल है, वो जो छोटा जानवर चीक चुक जाता ना फिर कुत्ते नहीं मुंह मार दे कुट कट के छाया छड़ दी नहीं तो पहले तो चंगा चिर खेलते घूटते रहे नसते भजते रहे सारे नाल शैला भौंकते थे तो दुनिया मुड़े होंगे थे इसकी तो बचत हो गई है जी, ये तो बच गई है, मधोला शुदोला सही था। चलो अभी अंदर बेचारी डर गई है, छोटी है ना, बाकी सूरत हाल देख दें स्टेला की भी नहीं वो तो अब बता रहे हैं आए थी रॉकी की तरफ, मगर ये कि रॉकी के साथ उसने लड़ी नहीं क्योंकि रॉकी के साथ तो एडजस्टमेंट उसकी हो गई है, इसके पास आके खड़ी हो जाती थी, स्टेला की तरफ नहीं आई वो। स्टेला क्या कर रही है जी, बस आटा ला रही है स्टेला। स्टेला बैठी है यहाँ पे जी, ये शुक्र है कि वो नहीं नहीं इन्हें नहीं लड़ी, इन्हें लड़ती फिर एक अद्धी का काम हो जाना सी, शुक्र है जी इनसे तो बचत हो गई। अंदर जा अंदर वालों के हालात देखता हूँ, अंदर वालों के क्या हालात है वो चेक करता हूँ। दिन की रोशनी भी आ रही है, ये जी अब अंदर क्या हुआ है, हलो वाल देखते हैं क्या जी, यहाँ पे मैंने बांधी थी ये और यहाँ से ये खुली है। खुली कैसे, वही चीज़ें ना ये जो नए दौर की मम्मी डैडी जी थे, हाँ ये चैन खुल गई थी इसकी, ये खुली हो गई थी गले वाली चैन जो है इसकी, इस वजह से ये निकल गई, ये निकलने की वजह से ये सारा सिस्टम हुआ जी इसका। हाँ जी नहीं ना नहीं लड़ी, मैं देख लेना नहीं वो तो पहले जख्मी ऐसे गई, नहीं ये कुत्ती भी ठीक है और ये कुत्ता तो पहले जख्मी हुआ पड़ा, इसकी टांग चंगी जख्मी हुई पड़ी है, बेहतर है शुक्र अल्लाह का, अब वो काफ़ी है तो बचत हो गई है जी, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई है जी, सिर्फ रशियन को लगे हैं, बाकी दिन की रोशनी आएगी तो बाकी फिर सही उसका पता चल सकेगा कि क्या सूरत हाल हुई है उसकी, क्या सीन बना था और कैसे ये सारा कुछ हुआ, वो तो सारा दिन की रोशनी में पता चल ही जाएगा। एक दोस्त ने पिछली वीडियो में कमेंट्स किया कि इस्लान भाई स्टाइल और इसको चेक करें, तो थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है तो इंशाल्लाह फिर चेक करेंगे, क्योंकि आजकल ना जख्मों के लिहाज से बड़ी परेशानी है, ब्रैबो का भी पैर जख्मी है, ये मैलजियम मेलानाइस भी जख्मी हुआ पड़ा सारा, और इसके कोई अंदरूनी मामला भी ख़राब चल रहे थे, ठीक नहीं था ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है कि रिकवरी की तरफ आ रहा है, ये कि खा भी सही था, काफ़ी इसके ज़ख्म हो गए थे, पता नहीं क्या हो गया था अंदर से, जिस तरह जिल्द प्रॉब्लम नहीं निकल रही थी छोटे बच्चों को वही चीज़ थी, पिछली टांग पे भी इससे अपना लेफ्ट फ्रंट बाजू पे भी इसके गले के ऊपर भी इसी तरह के ज़ख्म से बने थे, अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 70% ये ठीक हो गया पहले से, तो कमज़ोर भी काफ़ी हो गया था उस वजह से ट्रीटमेंट इसका भी कर रहा हूँ, ब्रैवो का भी पाँव जख्मी है, तो फिर संभालना अकेले बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये सेट हो जाए उतनी देर तक मौसम खुला हो जाएगा तो फिर ये कि इंशाल्लाह ताला इन्हें कभी अपना दोनों फीमेल को चेक करेंगे कि कौन सी क्या करती है, टाइम रखेंगे 2-3 मिनट का, फिर उसकी जो पोस्टिंग होगी वीडियो होगी वो टेलीग्राम आई डी जो है अपनी वहाँ पर पोस्ट करेंगे।